A very pleasant morning to one and all. So students, how are you? I hope you all are well and safe at your home. So students, today we will continue the chapter number 23 in civics. Chapter is role of the state government in distribution of resources. And in previous class we just brief what we will study in this chapter, and today we will start new topic in this chapter, that is factors. Okay, factors means what are the factors involved in distribution of resources and services. Okay, so first we talk about the meaning of resources. What is resources? Okay, resources kya hote hain? Means resources इन्फॉर्मेशन देने वाली एक कोई चीज हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, एलिमेंट हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है. तो व्हाट इज द रिसोर्सेज इन दिस टॉपिक? द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज इज द कलेक्टिव वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज टर्म्ड एज इट्स रिसोर्स. ओके, जितनी भी कलेक्टिव वेल्थ है हमारी कंट्री की, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एज अ रिसोर्स. ओके, and resource are divided into two part, natural resource and human made resources. Okay, you know natural resources are made by nature. Okay, and human made resources are made by the human being. Clear hai? So agar hum रिसोर्सेज की बात करें तो किस तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, और ये जो नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है, हाउ टू यूटिलाइज द गवर्नमेंट एंड हाउ टू यूज द रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट, दैट इज द अफेक्टिव रहे वो, है ना, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे. सो प्राइमरी फंक्शन अगर हम किसी भी गवर्नमेंट का देखो तो क्या होता है, वो क्या करती है, मेक असिस्टमेंट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज. Those resources are available. So, what is the function of government? That is the make arrangement. जो भी resources है उसके लिए arrangement कौन करेगा? हमारी government करेगी. According to our need. Second is analysis and plan its effective use for the public health. जितने भी resources हैं उनका हम क्या करेंगे, हमारी गवर्नमेंट एनालिसिस करेगी कि कितना रिसोर्सेज है, उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है. देन प्लान किया जाएगा, जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं या जो हमारे पास है, मे बी दे आर नेचुरल और दे आर ह्यूमन मेड, सो हाउ टू यूज दैट, वो क्या हुआ, इफेक्टिव हो किसके लिए, जो हमारी पब्लिक है उसकी हेल्थ के लिए. क्योंकि अगर किसी भी नेशन की, किसी भी कंट्री की जो पब्लिक है उसकी हेल्थ प्रॉपर रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेशन है उसका डेवलपमेंट भी हाई होगा. हम सभी जानते हैं, हम इस चीज को मानते भी हैं कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा. अगर मेरा जो फिजिकली मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरा शरीर ही मेरे साथ नहीं है, मेरी बॉडी ही मेरे साथ नहीं है, तो मैं मेंटली चाहकर भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाऊंगी. मैटर करती है चीजें कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी जो बॉडी वो हेल्दी होगी, तो हमारा माइंड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा. सो इस तरीके से जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज हम कैसे करेंगे, डिसाइड करती है हमारी गवर्नमेंट. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब यहां पावर है तो पावर वहां से क्या होगी, इधर 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 हम इसे डिवाइड कर देंगे. मींस सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी, स्टेट गवर्नमेंट से फिर वो जो हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, पंचायत राज सिस्टम है, वहां तक वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई. तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये क्या करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बेटर रखने के लिए वर्क करेगी. और एक क्रूशियल एक्टिविटी होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू परफॉर्म की जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाने में, डिफरेंट रिसोर्सेज को मैनेज करने में इंगेज रहता है, ताकि जो पब्लिक है उसकी हेल्थ प्रॉपर रह सके और हमारे स्टेट का, हमारे नेशन का डेवलपमेंट जो ग्रोथ है वो भी हाई होता रहे. ठीक है,
अब अगर फैक्टर्स की हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि जितने भी ये रिसोर्सेज हैं, जितने भी ये सर्विसेज हैं, ये जो फंक्शंस हैं, उन जो फुल उनको करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उन जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सो नीति आयोग, ओके, अर्लियर द स्टेट गवर्नमेंट कैरीड द प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज analysis and its allocation through the planning commission, the government of India constitute the Niti Aayog. Okay, Niti Aayog means National Institution for Transforming India to replace the planning commission in 2015. So the National Institution for Transforming India है ना, to replace the Planning Commission 2015. तो नीति आयोग बनाया गया and this was done in order to serve the needs and appreciation of all people of India in a better manner. ठीक है, तो जो नीति आयोग था वो किस तरीके से, कौन से प्लेटफॉर्म के रूप में वर्क कर रहा था इन इंडिया, जो हमारी जो गवर्नमेंट थी, जो जितने भी स्टेट थे, वो आपस में किस तरीके से जो नेशनल इंटरेस्ट है, दैट इज द हेल्थ, तो हेल्थ के लिए वर्क कर रहे थे, वो एक आपस में कॉपरेशन था, आपस में समन्वय करके, कोऑर्डिनेशन करके, कॉम्पिटिटिव फेडरेशन बना करके जो पब्लिक थी उसकी हेल्थ के लिए वर्क कर रहे थे। ठीक है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, बोथ आर कंबाइन, आपस में मिलकर के कॉपरेटिव मैनर में वर्क कर रहे थे। ठीक है, द रिकमेंडेशन मेड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज टेकन इनटू अकाउंट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जितने भी रिसोर्सेज होते थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो रिसोर्सेज है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी अकॉर्डिंग टू नीड, जिस तरह की नीड है उसके हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टेट को, एंड उसके बाद में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अब अपने स्टेट में वो जो रिसोर्सेज है उनका यूज कैसे करेगी, कहाँ पर ज्यादा उनको लगाना है, कहाँ पर उसको कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, फिर स्टेट की, उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्या होगा, फिर वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो नीति आयोग था उसने नीतियां बनाई, पॉलिसीज बनाई, डिफरेंट टाइप के मिनिस्टर्स जो थे उनको अपॉइंट किया गया ताकि जो रिसोर्सेज हमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनको हम यूटिलाइज कर सके। क्लियर है, तो नीति आयोग का यही वर्क था कि जितने भी पॉलिसीज बनाई जा रही है उनको यूटिलाइज किया जाए, जितने भी पब्लिक है उनकी जो हेल्थ है उनको रिकवर करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।